नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सेकंड ईयर वालों के लिए रहने वाला है और यह वीडियो जो है बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कॉल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लेइंग अटेंशन टू द स्पीकर नॉट इंटरप्रेटिंग टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और रिस्पॉन्डिंग इज वक्ता की ओर ध्यान देना, बीच में न बोलना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने में समय लगाना है, सक्रिय सुनना, व्याख्यान स्फूर्ति से ध्यान देना या स्वीकार करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, एक्टिव लिसनली, यानी आपको क्या करना है, ध्यान से यहाँ पर सुनना है, यानी एक्टिव होकर आपको सुनना है। व्हेन सोसाइटी डिसाइड हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस, इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग। जब समाज तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपता है तो इसे बनाना कहते हैं। मुक्त समाज, समानता संबंधी रूढ़िया और परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या के, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लिंग संबंधी रूढ़िया। यानी देखिए, जब समाज तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे थोपता है तो इसे बनाना कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर हमारा जो समाज है पूरा का पूरा 100% नहीं, लेकिन 100% हम इसे सही या गलत नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, ज़्यादातर कुछ लोगों की मानसिकता क्या है कि समाज में जो है पुरुषों का दर्जा यहाँ पर ज़्यादा रहना चाहिए, महिलाओं का दर्जा यहाँ पर कम रहना चाहिए, कुछ लोगों की मानसिकता है। तो इसे क्या कहते हैं, लिंग संबंधी रूढ़िया जो है इसे कहते हैं। व्हाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू बी मैरिड सून, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, आपको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्यों है, तुम्हें जल्दी ही शादी करनी है, यह का उदाहरण है, क्या है, लड़कियों के लिए लिंग रूढ़िवादिता, लड़कों के लिए लिंग रूढ़िया समानता, लड़कियों के लिए उचित सौदा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों के लिए लिंग रूढ़िवादिता। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए जाने, आप साक्षात्कार है उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, कवर लेटर, फिर से शुरू करना, पत्र छोड़ो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पर रिज्यूम है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, रिज्यूम है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रिज्यूम आपको साथ में लेकर जाना है। अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा रहे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रिज्यूम अपने साथ में लेके जाना है। अ इज समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री, एक आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश है, फीडबैक लेटर, रिज्यूम, स्टोरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रिज्यूम जो है, यहाँ पर रिज्यूम, एक रिज्यूम आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल, शिक्षा का इतिहास का सारांश है। यानी रिज्यूम में क्या क्या है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल और आपकी एजुकेशन का क्या है, उसमें सारांश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप दैट ऑल फेस विल स्टार्टिंग देयर करियर इज, अपने करियर की शुरुआत करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह खुश महसूस करता है, साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है, दौरे पर जा रहे या आराम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फेसिंग एन इंटरव्यू, साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ कस्टमर कैन हेल्प टू, ग्राहकों के साथ उचित संचार में मदद कर सकता है, ग्राहकों को बनाए रखना, ग्राहकों से दोस्तों से शिकायत करवाएं, प्रतियोगी पर स्विच करें, दूसरी दुकान खोजें।
तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ये, रिटेन कस्टमर, ग्राहकों को बनाए रखना। कस्टमर जनरली व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस, ग्राहक आमतौर पर जब उनका अनुभव खराब होता है, दोस्तों को सलाह दे, कंपनी के साथ व्यापार करना जारी रखे, प्रतियोगी पर स्विच करे, कंपनी के साथ सौदा। देखिए ग्राहक आमतौर पर उनका अनुभव खराब होता है तो क्या करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगी पर स्विच करे। एन एम्प्लॉयज कम लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट, एक कर्मचारी रोज ऑफिस से देर आता है, वह नहीं है, साइलेंस, समयनिष्ठ, आत्मविश्वास, स्वच्छ। तो वह क्या नहीं है, तो वह जो है वह नहीं है ऑप्शन नंबर बी, वह समयनिष्ठ यानी पंक्चुअल नहीं है। व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस और पीपल इन अथॉरिटी वी नीड टू, जब हम अपने कार्यस्थल या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कठोर और बेपरवाह लोगों से बेपरवाह बोले, लिंग के प्रति ध्यान से बोले और शब्दों के हमारे चुनाव में सम्मान दिखाए, संभल कर बोले और अभद्र भाषा का प्रयोग करें और असभ्य और हिंसक हो। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब हम अपने कार्यस्थल या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, तो आपको जो बात करनी चाहिए, स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन योर चॉइस ऑफ वर्ड, ध्यान से बोलना है और शब्दों के हमारे चुनाव में सम्मान दिखाना चाहिए, यानी सामने वालों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रॉट द इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड, औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जो दुनिया भर में कई लोगों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है वह कहलाता है ईमेल, टाइपिंग, प्रिंटिंग, राइटिंग। तो क्या है वह, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ये, ईमेल कहते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है क्या है, बातें करना, ट्वीट, टाइपिंग, ईमेल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ईमेल जो है यहाँ पर औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। सीसी इन ईमेल मींस, डैश में सीसी का मतलब होता है कुर्सी की नकल, बच्चे की नकल, नकल या चार्ट कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है, देखिए सीसी का जो मतलब है वह है कार्बन कॉपी, क्या है, कार्बन कॉपी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईमेल मींस, ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड चेयर कॉपी, नेत्रहीन बच्चे की नकल, ब्लाइंड चार्ट कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर ईमेल में जो बीसीसी का मतलब होता है वह क्या होता है, तो वह मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थॉट ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज, जब आप ईमेल के माध्यम से अपना बायोडाटा भेजते हैं तो आप इसे डैश के रूप में भेज रहे हैं, चालक के रूप में, लगाव के रूप में, चिन्हित पाठ या कुकी विज्ञापन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आप जो है अटैचमेंट यानी लगाव के साथ इसे भेज रहे हैं। व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग सजेशन ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग, जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा होता है तो आप प्राप्त कर रहे होते हैं, ग्राहक संपर्क, एलिवेटर पिच, प्रतिक्रिया, एक पुरस्कार। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा होता है तो आप
प्राप्त कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, देखिए हमने इसके पहले भी बहुत बार यह क्वेश्चन देखा है, इसे फीडबैक या प्रतिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती है। यहाँ पर ITI रिलेटेड अपडेट, अप्रेंटिसशिप के अपडेट आपको मिलती रहती है, इसलिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।